मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अरे ओहो, ये पहला हीरो है जो तेरे पे कूदा है। वरुण एक मिनट यार, ये बहुत नाइंसाफी है। क्यों? आदमी को गोली मारो, बोल के मारो। नहीं नहीं, अब मारो गोली। नहीं, मेरी जो हीरोइन है। बोलना अलग किया तो फिर कहना। लेकिन एक बात बोलूं, हाँ। मुझे लग रहा है कि बचपन में बच्चे चेंज हो गए थे, क्योंकि सेहत के मुताबिक आप धवल जी के बेटे लगते हैं और ये गोविंदा के भांजे। और तू पता कौन है? कौन? नुसरत फतेह अली जी की बेटी लगती है। क्या करें हम लोग, बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां, डन डन। हाय साये, हाय छोड़े, मुझे ये जो ये फ्लैट नंबर है ना, ये 301 नंबर फ्लैट, हेलो, उसमें एक लड़की रहती है, वो भाग गई। अरे वो तो फ्लैट है ना, वो तो तेरा फ्लैट है, और वो जो लड़की है ना, वो तो तेरी बहन है। देखो, बहन अपनी जगह और चुगली अपनी जगह। तूने बड़े, एक बात बोलू, मैं ना कहना चाहता हूँ ना, कि अगर आप किसी लड़की से सच्चे दिल से प्यार करे और वो भी आपको सच्चे दिल से मोहब्बत करे, तो क्या करना चाहिए बड़े? क्या करना चाहिए? उसको डेली मिल जाके, मिलता हूँ, पर उसके घर पे अगर उसका कोई बड़ा भाई हो तो अला एक चमक खींच के मरना सर। मारू क्या? हाँ। तो बड़े तू कहे नहीं मानता, साला हमरी बहन के साथ चैन को लेके मैन को लेके चैन। नहीं बड़े, हम तो कहते हैं, हम तो तुम्हारे छोटे हैं, इसीलिए बजाओ गाना। क्या बात है? मैं दिल से एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे अगर कोई एक्टर ने इन्फ्लुएंस किया है एक्टर बनने के लिए, तो वो गोविंदा है। उसके बाद अगर मुझे कोई एक्टर ने इन्फ्लुएंस किया टीवी पे आने का, वो है कृष्णा। नहीं नहीं, अच्छी बात है। नो सीरियसली, बहुत अच्छा। थैंक यू वरुण, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैंने ये सीरियसली बोला, तो पता नहीं क्यों हंस रहे लोग। नहीं क्योंकि आपने डिमोशन की बात की ना, मुझे फिल्मों में वहां था, टीवी पे यहां था। नहीं तो क्या हुआ, टीवी क्या है? टीवी बहुत बड़ी बात है, जो टीवी पे करते हैं लोग फिल्मों में नहीं कर पाते। क्या बात है? लेकिन एक बात बोलूं, टीवी बहुत बड़ी बात है। हाँ, करोड़ों की फिल्म बनाई है, लेकिन आए यहीं पे हैं प्रमोट करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। वैसे आप सबने और मैंने और शाहरुख सर ने डीडीएलजे बहुत बार देखी होगी, है ना? लेकिन शाहरुख सर, अगर कॉमेडी नाइट्स बचाओ में डीडीएलजे बनेगी तो कैसी बनेगी? वही बताने आ रहे हैं मुबीन और अनीता। जोरदार तालियां हो जाए। ओए ओए ओए, आओ 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 आओ, भाई वाह वाह वाह। डीडीएलजे के 20 साल हो चुके हैं, लेकिन राज और सिमरन आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। मैंने मराठा मंदिर में पहला शो देखा था, तब भी वैसे ही दिख रहे थे। आप कल जाके देखा, तब भी वैसे ही दिख रहे थे। ओए ओए ओए, ये मेरी बेटी सिमरन कहाँ रह गई? बाऊजी, बाऊजी मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। हाँ बेटी जी ले, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दे। ओए चुप कर, जब देखो मैंने कहा था ना, अरे एक बार ये भी बता दे क्या कहा था। बाबूजी, इतने बड़े सुपरस्टार आए हैं ना। हाँ बेटी ये बात तो है, पता है किस लिए आए हैं? किस लिए? फिल्म डीडीएलजे 2 की प्रमोशन के लिए आए हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, दिलवाले की प्रमोशन के लिए आए हैं। ओ नहीं नहीं, DDLJ 2 के प्रमोशन के लिए आए हैं। 4 भाग में बनाकर रिलीज कर रहे हैं। अभी दिलवाले बनाई, फिर दुल्हनिया बनाएंगे, फिर ले बनाएंगे, फिर जाएंगे बनाएंगे। ओए, ओए सिमरन ओए। बाऊजी आप कितना चिल्लाते हैं? मैं भी अपनी आवाज से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मेरी आवाज की वजह से 40 लोग चल बसे।
कैसे? बेटी मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मैंने कहा मुलुंड आ गया, जल्दी ट्रेन से कूद गए। अरे भाई मैंने तो सिर्फ पूछा था मुलुंड आ गया, इसमें कूदने वाली क्या बात थी। पर बाबूजी मुझे यूरोप जाना है, मुझे मुझे यूरोप जाने दीजिए, फिर आप जिससे शादी कहेंगे मैं कर लूंगी, चुपचाप कर लूंगी। चुपचाप कर लेगी जी? मैं ऐसे वैसे किसी के साथ तेरी शादी नहीं करवाऊंगा बेटी, पंजाब में मेरा दोस्त है जीते, उसके बेटे से करवाऊंगा। अरे उसकी चिट्ठी भी आई है, देख देख चिट्ठी आई है। बलवंते मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, इसीलिए मैं तेरी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या लिखा है ओए? ये आजकल की चिट्ठियां भी हैंग होने लगी हैं। नहीं नहीं बीवी नहीं बेटी लिखा है, इसीलिए मैं तेरी बेटी से अपने बेटी की शादी करना चाहता हूँ। ओए ओए बेटी अब तो हम पंजाब चलेंगे, आप सब आना मेरी बेटी की शादी में, आप भी आना। आप भी एक मिनट, ये कौन है? ये इधर वाला, ये। अरे फुकरे में चूचा था ना, सब इसे चूचा चूचा बुलाते हैं। ओ, 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 तो अंडे में से निकल के चूचे ने भी काम करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना मिस्टर चूचा, मुझे चूचा बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी खटिया चूचा करती थी, मैंने उसे तोड़ दिया। मुझे जाने दो राज के पास। ओए तू नहीं जा सकती। नहीं मुझे राज के पास जाना है, कोई हमारी मोहब्बत को समझ नहीं रहा। राज छोड़ो मुझे। मोहब्बत करती है तू राज से? ठीक है जा बेटी जा, जी ले अपनी जिंदगी जा। तू छोड़ो ना मुझे, जाने तो दो। अरे जाती क्यों नहीं जा? बाबूजी ज्यादा फुटेज मत खाओ, मुझे जाने दो। शाहरुख सर कैसा लगा आपको इनका एक्ट? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे शुरू में बोला गया था कि सिर्फ स्टार्स के बारे में बोलना है तो मोमिन और अनीता का नाम नहीं लेना है, लेकिन मुझे लगता है इस शो के सबसे बड़े स्टार ही हैं इन्होंने। क्या तो बात अच्छा। अनीता आप कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा सिमरन अब तो हाथ छोड़ दिया, आ जाओ। सर हमेशा इस शो में ना पप्पियां भारती को ही मिलती हैं। इट्स नॉट फेयर। तुम बताना बस। दिलवाले दुल्हनिया ले जाए मैंने बहुत बार देखी है, और मुझे उसका एक डायलॉग बहुत दिल से याद है, काजोल ने आपके लिए बोला था, और मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ पर बहुत। और मजा तब आएगा जब आप काजोल बनी है और शाहरुख का हाथ पकड़ के बोलेंगी चाहिए चाहिए। अरे बड़े मौका मिल रहा है। सर आप भी अगर डीडीएल जी का कुछ याद है तो हमारी सिमरन के लिए बोल दीजिए। सेनोरिटा ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। आप जितनी भी जगह पे प्रमोशन के लिए गए सब जगह पे ये गेरुआ गाना बहुत यूज हुआ होगा ना, और यहाँ भी करेंगे सर। लेकिन ना सर कुछ अलग करेंगे सर, सब शोज में एक गेरुआ ये वो हो रहा है, इसमें मैं शाहरुख बनूंगी आप काजोल बनोगे। सर सर आपने क्या हरकत की, पीछे समुंदर चला गया। देखो सर अरे 20 साल हो गए, थोड़ी बहुत काजल भी बदलेगी। चलिए हमारी नॉटी काजोल मैम के लिए जोरदार तालियां। साड़ी उतारू? हाँ अच्छा। अरे अरे हो पेटीकोट में हम ज्यादा ही नॉटी हो गई है। नहीं सर पेटीकोट नहीं सर। आपको पता है एक बॉलीवुड नौकर है जिसने बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार के घर काम किया है। अच्छा। उनकी अंदर की बातें सब जानता है सारी। वही बातें बताने आ रहे हैं शकील और सबसे सीनियर हमारी आर्टिस्ट श्रुति और हॉट पूजा। हेलो हेलो हेलो, आवाज कट के आ रही है, गोंद लेके बैठ जा, जोड़ के सुन ले मनुष। चल दबाओ फोन में घुस के मारूंगा। अरे शाहरुख भाई कैसे हैं आप? निखिल भाई। अरे वरुण धवन कैसे हैं आप? कीर्ति जी कैसे हैं आप? आज आपका नाम क्या है? वरुण शर्मा। अच्छा आज भी वही है, गरीबों वाला काम है। क्या करें
सर दिल वाले की प्रमोशन के लिए आए, ये DDLJ ने बच्चा दिया है। अरे बात तो सही है, बाप इतना होनहार था तो बच्चा भी होनहार ही होगा इंशाल्लाह, बहुत ही हिट होगी। अच्छा शाहरुख भाई, मेरे को अपनी टीम में रख लो, क्रिकेट टीम में। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने अभी एक हफ्ते पहले एक शॉट पे 650 रन बनाए, एक शॉट में, एक शॉट पे तौबा, मैंने शॉट मारा गेंद गुम हो गई, सब अपने घर चले गए, मैं रन बनाता रहा था। मैं बेहोश होने लगा, चौकीदार मुझे घर छोड़ के गया, वरना 1000 बना लेता। हाँ मेरा टैलेंट इतना है, बस रख लो एक दफा टीम में, तौलिया लेके जाऊंगा ग्राउंड में, कोई मसला नहीं। वारुण। अरे हेलो, तुम हो कौन, खुद आई हो या हवा इधर की थी? वारुण तुम आज भी उतने ही हॉट लगते हो जितना स्कूल में लगा करते थे। कितने हॉट हो, जा इसमें 2 चाय गर्म कर ले जा। और मैं, तू लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। याद आ गया, बस कमरा याद नहीं आ रहा। अरे पूरी बात तो सुन, थप्पड़ मार के खुद ही बात गंदी कर दी तूने। स्कूल के कमरे में देखा था। टीचर हाँ, टीचर जी हाँ, हाँ। मैं वरुण की स्कूल टीचर हूँ। हाँ। इसे स्टार मैंने ही बनाया है, मैंने पढ़ाया इसे। सही पढ़ाया, ABCD में फंसा हुआ वो। Thank you.